हम जानेंगे ट्रीट एस फिल। ट्रीट एस फिल क्या ऑप्शन है और ये क्या वर्क करता है? देखिए आमतौर पर ज़्यादातर तो नहीं, कभी कभी इन बिटवीन क्या होता है, हम कुछ ड्रॉ करते हैं। मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। अब देखिए सर्किल का मतलब ये मैंने एक पाथ बनाया, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी सी आउटलाइन इसकी थोड़ी सी हाईलाइट वो मोटी कर देता हूँ। देखिए ये मैंने एक सर्किल बनाया और ये एक होल भी है, इसमें दो शेप हैं, ये सर्किल है और एक होल भी है। अब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है, इसका हम कॉपी करेंगे शिफ्ट के साथ, शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और कॉर्नर से इसको होल्ड करते हुए अंदर लाएंगे और माउस को दबाए रखेंगे और राइट क्लिक दबा देंगे, इससे ये इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये होल है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें एक सॉलिड कलर भरा है, वो है वाइट। जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ऐसे ही जब मैं पीछे क्लिक कर रहा हूँ तब सिलेक्ट नहीं हो रहा। आपके कंप्यूटर्स पे ये चीज़ हो रही होगी, क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर पे ट्रीट एस फिल एक्टिव नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है, ये सिचुएशन कब होती है हमारे साथ, जब हमारे डिज़ाइन काफ़ी सारी बिखरी हुई है और हमें सिर्फ उसके पीछे का पिक करना है ना कि उसको, तो ट्रीट एस फिल कमांड काम आती है। अब हम जान लेते हैं ट्रीट एस फिल कमांड कहाँ होती है और ये कैसे वर्क करती है। देखिए आप टूल में विंडो सॉरी टूल्स में जाएंगे, ऑप्शन जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल जे, आप इस पर क्लिक करेंगे। मैं बाय डिफॉल्ट सबको इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए आपको जाना है वर्क स्पेस, आपको जाना है वर्क स्पेस। जब आप वर्क स्पेस पर क्लिक कर देंगे तो ऐसा कुछ आएगा, फिर आपको जाना है कस्टमाइजेशन पे, फिर आपको आना है कमांड्स पे। देखिए जब आप कमांड्स पे आ जाएंगे तो जब आप राइट हैंड पे देखेंगे यहाँ फाइल्स और यहाँ एक फाइंड आउट, यहाँ फाइंड का एक दूरबीन टाइप का जो आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे, इट्स मीन सर्च। यहाँ आपको काफ़ी सारे टूल्स हैं, आप कहाँ तक देखेंगे, इसलिए आपको यहाँ डालना है ट्रीट ट्रीट एज एफ आई एल और आपको करना है फाइनेस्ट। देखिए ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप उसको माउस का बटन दबाए दबाए इसको यहाँ से ड्रॉप करके यहाँ ड्रैग कर देना है, ठीक है। ये एक ड्रॉप आ गया, उसको आप कहीं भी रख लें और आपको यहाँ ओके दबाना है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या था, मैंने आपको बताया था कि मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, और मैंने पीछे वाले पे क्लिक किया, पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे, तो क्लिक नहीं हो रहा। जैसे मैं इस फंक्शन को ऑन करता हूँ, देखिए ये सिलेक्ट हो गया, अभी ये ऑफ था, अब ये इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, अब ये ऑन है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सिंपली ये क्लिक हो रहा है। तो फ्रेंड्स कभी आपका सिस्टम अगर ऐसी गड़बड़ करने लगे कि आप उसके पूरे ऑब्जेक्ट पे कहीं भी क्लिक कर रहे हैं और वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो आप समझ जाएं कि आपका ट्रीट एस फिल ऑफ है, ठीक है। और अगर वो वर्क कर रहा है तो ठीक है। देखिए मैं इसको ऑफ करके दिखाता हूँ आपको, मैंने देखिए क्लिक कर रहा हूँ, वो कहीं भी इस पर क्लिक नहीं होगा। देखिए मैं इस पर दोबारा से इस पर क्लिक कर देता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ, तब ये क्लिक होगा।